सुखबीर सिंह बादल ते जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी का बयान सामने आया है। ज्ञानी रघुवीर सिंह जी ने सुखबीर सिंह बादल ते बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि तनखाह पूरी करन तक तनखाही ही रहिंदा है, अगर किसी ने तनखाह लगी होवे तां जदों तक उसकी तनखाह पूरी नहीं हुंदी उह तनखाही ही रहिंदा। उन्होंने कहा है कि अगला फैसला पंज सिंह साहिबान की बैठक च लवांगे अते बैठक दिवाली तो बाद होवेगी। तां दस दईए कि सुखबीर बादल नूं हजे राहत नहीं मिली है। अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी का बयान आया सुखबीर बादल से। उन्होंने कहा है कि जदों तक तनखाह पूरी नहीं होंगी उदों तक वह तनखाही ही रहेंगे तो किसी भी जिहड़ी कि सियासी सरगर्मियों हिस्सा नहीं ले सकते। सुखबीर बादल दस दिए कि सुखबीर बादल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिवाली तो बाद सुखबीर बादल से फैसला होगा। गिदड़बाहा तो चोण लड़न बारे सुखबीर सिंह बादल जिहड़ी कि है क्यासराइयां लगाईयां जा रही थी। फिलहाल गिदड़बाहा तो सुखबीर सिंह बादल चोण नहीं लड़ सकते। तुहानूं दस दईए कि नामजदगी नूं सिर्फ दो दिन रह गए ने, दो दिनों विच ही नामजदगी भरी जा सकती, उस तो बाद नामजदगी नहीं भरी जा सकती। जिस तरह कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहब का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल से जो भी फैसला लेना है वह दिवाली तो बाद ही लिया जाएगा। पंज सिंह साहिबान की बैठक जिहड़ी कि दिवाली तो बाद होगी, उस विच ही कोई भी फैसला जो लेना है वह लिया जाएगा। तो तुहानूं दस दईए कि इस नाल सुखबीर बादल चोणा नहीं लड़ सकते, नामजदगी जिहड़ी कि अपनी गिदड़बाहा तो नहीं भर सकते। तो हुण देखना यह होगा कि गिदड़बाहा तो चोण मैदान च किसनों उतारिया जाता है। सुखबीर बादल नूं फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। जथेदार अकाल तख्त साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी के बयान के अनुसार सुखबीर बादल नूं फिलहाल कोई भी राहत मिलती नज़र नहीं आ रही। बीते दिन श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े कि कार्यकारी प्रधान ने वह भी अकाल तख्त साहिब पुजे सी ते जथेदार साहिब नाल उन्होंने गलबात की सी, पर किसी भी तरह की जिहड़ी कि तुहानूं दस्सदी है कि सुखबीर बादल नूं राहत फिलहाल मिलती नज़र नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला टाइम टीवी।